फिलिप। तो आज का मेरा ट्यूटोरियल है ब्लॉग कैसे बनाता है। तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको सबको पहले एक जीमेल का अकाउंट मतलब आईडी चाहिए। अब जिसके पास जीमेल आईडी नहीं है वो तुरंत गूगल से एक आईडी निकाले जीमेल का। बाद में आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स कोई किसी में भी जाओ, जाके जो ब्लॉगर है वो गूगल में सर्च करो ब्लॉगर का साइट। तो ऑलरेडी मैं इधर सर्च किया था, तो ब्लॉगर का साइट जब ओपन हो जाएगा गूगल ब्लॉगर, तो आपको उधर साइन इन करने के लिए बताएगा। आप जिसमें से मतलब जिसमें से आप मेल निकाला जो आईडी से, वो आईडी उधर डालना पड़ेगा, मतलब वो ब्लॉगर का साइट में डालना पड़ेगा, तो आपका ब्लॉग स्टार्ट ब्लॉग निकल जाएगा। तो इधर आपको बताएगा, ऐसा आएगा न्यू ब्लॉग। ओके, न्यू ब्लॉग क्रिएट करने के लिए इधर आपको टाइटल देना पड़ेगा, कोई भी टाइटल आप दे दो, मैं इसे आप लोग को दिखाने के लिए कोई भी एक टाइटल देता है। कॉम्सीएम कंप्यूटर शॉप में देता है, कंप्यूटर शॉप शॉप। ओके, ब्लॉग का टाइटल ही है मेरा। तो ब्लॉग एड्रेस कोई भी दे दो, ब्लॉग एड्रेस कोई भी ब्लॉग एड्रेस सब दे दो, मतलब आपको जो सिलेक्ट करेगा उसका ही देना। मैं तो कोई भी बोलता है लेकिन नहीं देना, आप लोग कोई अच्छा सोच समझ के इधर देना। मैं ऐसा आप लोग को दिखाने के लिए एक देता हूँ, एक कोई भी देता हूँ। आर डी एक्स कंप्यूटर सीओएम मैं थोड़ा ये बड़ा दिया, आप लोग इतना बड़ा नहीं, आप लोग समझ के मतलब छोटा मोटा कोई करके देना। मैं दिया आर डी एक्स कंप्यूटर सेंटर, लेकिन ये ले लिया। ओके, ऐसा ही आप ब्लॉक का एड्रेस देना। बाद में टेम्पलेट जो है, आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर तो बहुत सारा टेम्पलेट है, कोई भी एक सिलेक्ट करो। पहले मैं आप लोग को दिखाने के लिए सिंपल सिलेक्ट किया, बाद में क्रिएटिंग ब्लॉग, क्रिएटिंग है ब्लॉग। देखा इधर आ गया, मतलब क्रिएटिंग होता है ब्लॉग, अभी सक्सेसफुली हो गया। ओके, इधर देखिए मेरा ब्लॉग सक्सेसफुल हो गया, क्रिएट हो गया। अभी इधर स्टार्ट पोस्टिंग, कोई भी पोस्ट करने के लिए बताता है। अभी हम लोग पोस्ट करके ऐसे करेगा हो सकेगा। इधर जाके क्लिक करेगा तो आपको पोस्टिंग का ये पेज आएगा। तो इधर आप सबसे पहले क्या करेगा, इधर कंपोज में जाके क्लिक करिए। बाद में इधर आएगा तो पोस्ट टाइटल, पोस्ट टाइटल इधर टाइटल लिखो, बेस्ट कंप्यूटर 2014, ऐसा मैं कोई भी टाइटल लिखा। इधर अभी इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, माय माय फेवरेट कंप्यूटर, बस मैं इतना ही लिखा। अभी मतलब आप मैं जो साइट बनाया कंप्यूटर का, कंप्यूटर के लिए, तो इधर ऐसा आर्टिकल लिखना जो कंप्यूटर का ही रिलेटिव है। दूसरा कुछ नहीं लिखना। बहुत सारा आदमी है ऐसा साइट बनाते हैं एक कैटेगरी में, उसमें बहुत सारा कैटेगरी लेके आता है, बाद में वो लोग को है ना ऐसा जैसा गूगल में एडसेंस मिलता है वो सब नहीं मिलता है। तो एडसेंस के बारे में मैं बाद में बताएगा आपको, अभी तो ब्लॉग के बारे में बताता है। तो इधर थोड़ा मैं आर्टिकल लिखा, अभी इसको देखिए। इधर जो है ये फ्रंट साइज है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है, कोई भी साइज दे सकेगा, ऐसा ऐसा साइज आएगा, ऐसा 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 बोल्ड है, ऐसा इटैलिक है, मतलब इसमें दबाएगा चेंज होते रहेगा, आपका जो वर्ड है चेंज होते रहेगा। इसको ऐसा सिलेक्ट करके इसको ऐसा मारेगा, देखा चेंज हो गया। बाद में ये सब ये जो है मतलब कलर चेंज करने का, जो वर्ड में टाइप तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा, मतलब इसमें जाके ये जो पेंटर है पेंट है उसमें जाएगा तो आपका मतलब चेंज हो जाएगा आपका कलर।
अभी एक बात बताता है आपको, देखो इरर इरर हो गया, मतलब मैं उल्टा पुल्टा थोड़ा दबाया, तो आप लोग ऐसा नहीं करना। तो आपको ऐसा देखा, अभी बाद में ये इमेज है, कोई भी इमेज सिलेक्ट करके डाल सकता है, ये इंसर्ट वीडियो है, वीडियो पर डाल सकता है, इधर ये है अलाइनमेंट है, ये है आपका रिमूव फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग भी कर सकता है, ये है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट वर्ड टाइप फोनेटिकली इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, ये भी देख सकता है। दूसरों में इतना ही लिखा, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, तो आप लोग को समझने के लिए मैं थोड़ा इतना लिखा। आप लोग जब ब्लॉगिंग करेगा थोड़ा मिनिमम 200 वर्ड में लिखना, और 200 वर्ड में लिखना और 2000 वर्ड से नीचे लिखना, ऐसा है, ठीक है। आपको मर्जी है, आप अगर पर्सनल ब्लॉग बनाएगा तो जितना मर्जी, लेकिन एडसेंस के लिए आपको मिनिमम 200 वर्ड लिखना पड़ेगा, उसके नीचे लिखेंगे तो आपको एडसेंस नहीं मिलेगा। तो आप इधर शेप भी कर सकता है, इसको प्रीव्यू करके देख भी सकता है, तो ऐसा शेप करेगा तो ड्राफ्ट में चला जाएगा, और प्रीव्यू करेगा तो थोड़ा हम लोग देख सकेगा हम लोग जो पोस्ट किया वो कैसे है, क्या है। अभी देखें, बेस्ट कंप्यूटर 2014, माई फेवरेट कंप्यूटर है, बस इतना। तो अभी आप एक काम करिए, ऐसा है, ये आ गया। अभी पब्लिश कैसे करते हैं, इसको ये ऑप्शन में क्लिक करेगा तो, पब्लिश ऑप्शन में क्लिक करेगा तो ये पब्लिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये पब्लिश हो गया ऑलरेडी। अभी आप इसको कैसे देखेगा, ये व्यू लॉक में जाएगा तो आपको ये देख सकेगा। तो दोस्तों ये तो गया ब्लॉग कैसे बनाता है। अभी ब्लॉग में आपको मैं धीरे धीरे इसका अंदर जो है ओवरव्यू, पोस्ट, वॉल, पब्लिश्ड पेज, कमेंट, गूगल प्लस, स्टार्ट, अर्निंग, लेआउट, टेम्पलेट सेटिंग, ये सब मैं आप लोग को धीरे धीरे मैं दिखाएगा कैसे मेरा ट्यूटोरियल में। तो आज आप लोग को मैं सिखाया कैसे ब्लॉग बनाता है, फिर पोस्ट करता है। बाद में आप लोग को मैं मेरा दूसरा ट्यूटोरियल में दिखाएगा ये सब, धीरे धीरे एक एक ट्यूटोरियल में दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात है, प्लीज़ मेरा जो चैनल है ये सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग का मतलब ब्लॉग में साइन अप करने का, और पोस्ट करने के लिए कोई भी आप लोग को क्वेश्चन है तो अंदर हमको इनबॉक्स में भेजना, मैं आप लोग को रिप्लाई करेगा, ओके। और आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेगा।